वैसे तो ये रॉड प्योर रोटेशनल मोशन करने वाला है इस पी पॉइंट के अबाउट। हमने एक रॉड को हॉरिजॉन्टल ऐसे इस सिचुएशन में हिंज कर दिया है, और जैसे ही हिंज करेंगे तो ऑब्वियसली वो रॉड नीचे गिरना चाहेगा। उसके अंदर तुरंत एक अल्फा डेवलप हो जाएगा जिसकी वजह से वो नीचे आना चाहेगा। मगर मैं बात अगर इसके सेंटर ऑफ मास की करूं तो क्या जैसे ही अल्फा आएगा तो इसके सेंटर ऑफ मास में हम एसीएम की बात कर सकते हैं, और वो ए होगा उसका रेडियस इनटू अल्फा। यानी इसके अंदर इसके सेंटर ऑफ मास का मोशन हम कह सकते हैं उसके अंदर एक ट्रांसलेशनल एक्सेलेशन आने वाला है, तो हम उसका ट्रांसलेशनल डिस्कशन भी कर सकते हैं। यानी इस रॉड के अंदर इसका सीएम एक ट्रांसलेशनल मोशन रखेगा, और अगर हम सीएम के अबाउट बात करें यानी सीएम पे बैठ जाएं, तो जो एक्सेलरेशन इसके खुद के अंदर आया है वो मोशन पी पॉइंट के अंदर नजर आने लगेगा। ये अपने आप को रेस्ट में महसूस करेगा और एल बाई टू अल्फा का एक्सेलेशन ऊपर महसूस करेगा। तो इस पर्सन के हिसाब से ये ऑब्जेक्ट प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा है। हम सीएम के अबाउट प्योर रोटेशनल मोशन की बात भी कर सकते हैं जरूरत पड़े तो। खैर यहां पे हम सीएम के अबाउट ही एटी और अल्फा की बात जरूरत पड़े तो कर सकते हैं। इन दो मोशन का कंबाइंड मोशन इस रॉड को भी सोचा जा सकता है। अच्छी बात यह है कि अल्फा चाहे तुम पी पॉइंट के अबाउट ले आओ, चाहे सेंटर ऑफ मास पे बैठे हुए पर्सन के हिसाब से लाओ, दोनों के अल्फा अलग अलग नहीं होते हैं। तो फिर हम अल्फा इसी के अबाउट ले आते हैं। अल्फा कैसे ला सकते हैं? टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, इसके अबाउट प्योर रोटेशन चल रहा है, एमजी के फोर्स की वजह से टॉर्क है, तो एमजी इनटू एल बाय टू इक्वल टू आई अल्फा। एंड के अबाउट रोटेट कर रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाय 3 होगा, तो अल्फा का आंसर 3g डिवाइड बाय 2l। ये अल्फा आया है, चाहे तुम सीएम के अबाउट कह दो चाहे पी पॉइंट के अबाउट कह दो, एक ही बात है। अगर मैं बात करूं एसीएम कितना, तो क्योंकि अल्फा आ चुका है तो हम एसीएम की बात कर सकते हैं और इस रॉड का ट्रांसलेशनल डिस्कशन कर सकते हैं। क्या इसका एसीएम जी से कम है? अगर ये रॉड हिंज ना होता तो ऑब्वियसली ये जी के एक्सेलेशन से नीचे जाता, और ये अभी फिलहाल जी से कम है। इसका मतलब इस रॉड पे किसी ना किसी ने ऊपर फोर्स दिया है, तभी तो इसका एक्सेलेशन जी से कम आया। और वो फोर्स एक ही जगह से लग सकता है, इस पी पॉइंट पे हिंज किया गया है तो हिंज से कुछ एन का फोर्स ऊपर लगा होगा। इसको हम लोग हिंज रिएक्शन आमतौर पर कह देते हैं। एन ऊपर लगेगा और नीचे लगने वाला फोर्स एम जी एक्सेलेशन, क्योंकि हमें सीएम का पता चल चुका है, तो अब हम सीएम के लिए हमेशा न्यूटन का सेकेंड लॉ लगा सकते हैं, एम जी माइनस एन इक्वल टू एम इन टू ए। सॉल्व करेंगे तो एन का आंसर आ जाएगा, दैट इज एम जी बाई 4। तो ये रॉड का ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन डिस्कशन है, भले ये प्योर रोटेशन कर रहा था। क्या जैसे मैंने रॉड के लिए बात करी हिंज रिएक्शन, वैसे ही क्वेश्चन रिंग डिस्क सॉलिड स्फीयर हॉलो स्फीयर को लेके भी पूछे जा सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन कर देता हूँ, एक जनरल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेके के एम आर स्क्वायर, यहाँ के की वैल्यू 1 होती है रिंग हुप के लिए, के इक्वल टू हाफ होती है डिस्क सॉलिड सिलेंडर के लिए, के की वैल्यू 2/3 होगी हॉलो स्फीयर के लिए, के की वैल्यू 2/5 होगी सॉलिड स्फीयर के लिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने जनरल ले लिया है और उसी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में छोड़ा है, इसके सीएम पे एमजी का फोर्स लग रहा है जो ऑब्वियसली इसको रोटेट कराने की कोशिश करेगा इस पी पॉइंट के अबाउट। ऑब्वियसली इसके अंदर हम दो तरह के मोशन सोच सकते हैं, एटी जो कि ऑब्वियसली सीएम का एक्सेलेरेशन होता है, और सीएम पे बैठ जाए तो जो अल्फा हमें पी के अबाउट इस पूरी बॉडी का नजर आ रहा है वो इधर बैठ के पी के अंदर नजर आएगा। यानी मैं कह सकता हूं ये पूरी रिजिड बॉडी चाहे सीएम से देखो चाहे कहीं से देखो अल्फा सब जगह सेम रहता है। खैर तो जब सेम रहता है तो हम पी के अबाउट ही निकालें प्योर रोटेशनल मोशन से। टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा एम जी इंटू आर, परपेंडिकुलर आर है, ध्यान रखना ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सीएम है,
और ये बॉडी सीएम से नहीं बल्कि पी के अबाउट रोटेट कर रही है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के निकलेगा इनटू अल्फा। तो अल्फा का ये आंसर आ जाएगा, एम से एम कैंसिल हो गया, एक आर कैंसिल हो गया, ए इक्वल टू आर अल्फा से हम लोग ये ACM का आंसर देखेंगे। और साफ साफ दिख रहा है कि ये आंसर, क्योंकि K की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी, तो ये नीचे वन से ज़्यादा बड़ी वैल्यू से डिवाइड है, तो इसका मतलब ACM G से कम आने वाला है, और G से कम आने वाला है तो ऑब्वियसली P पॉइंट पे एक हिंज रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर मिला होगा, तभी MG के इन्फ्लुएंस में, अगर केबल बॉडी होती तो G का एक्सेलेरेशन आता, फिलहाल एक्सेलेरेशन G से कम है, हम इक्वेशन बना सकते हैं और अब A का आंसर निकल आएगा, ये नॉर्मल एक्शन का आंसर आएगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसे कुछ याद रखने की ज़रूरत है, ये रिज़ल्ट निकालना आना ही चाहिए, और एक बार निकाल पा रहे हैं तो फिर याद रख सकते हैं। जिसको निकालना नहीं आता मैं कहता हूँ वो कभी याद ना रखे, तो ज़्यादा बेटर है।